Hello friends, this is Engineer Aditya Prakash. This is my first video for the YouTube channel Prep Master. Today I am going to teach you a subject known as Thermodynamics. Thermodynamics एक ऐसा subject है जिसका base आपके 11th 12th की class से शुरू हो जाता है. अब उसके बाद चाहे engineering की किसी branch में हो, चाहे BSc में किसी भी stream के student हो, आपको इस subject को पढ़कर जाना ही होता है. आइए तो हम जानते हैं कि Thermodynamics होता क्या है. अगर मैं बात करूं थर्मोडायनेमिक्स की, इट इज़ अ साइंस विच डील्स अबाउट द इंटरेक्शन ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम सराउंडिंग एंड बाउंड्री. हमारी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट का जो भी इंटरेक्शन होता है, हम उसको एक साइंस के थ्रू पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स. जब मैंने बात की कि सिस्टम सराउंडिंग और बाउंड्री, तो हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर ये चीज़ें हैं क्या. अगर मैं सबसे पहले बात करूँ सिस्टम की, अ प्रिस्क्राइब्ड रीजन ऑफ स्पेस और अ फिक्स रीजन ऑफ स्पेस. हमारे स्पेस का कोई भी एक निश्चित भाग, उसे हम कह सकते हैं सिस्टम. चाहे मेरे हाथ में एक मार्कर ही है, अगर ये इस पूरे यूनिवर्स का, पूरे ब्रह्मांड का एक निश्चित भाग है, तो ये एक सिस्टम है. अब इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूँ तो इसके बाद नंबर आता है बाउंड्री का. वॉट इज बाउंड्री? द एनवलप विच इनक्लोज सिस्टम. इट मीन्स अगर हम इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, तो ये आपका एक सिस्टम है और जिस एनवलप ने इसे इनक्लोज कर रखा है उसे हम कह देते हैं बाउंड्री, और इस एनवलप के बाहर हमारा जो भी यूनिवर्स है हम उसे कह देते हैं सराउंडिंग. आइए अब ये भी जानना जरूरी है कि हम थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी किन अप्रोचेस के थ्रू कर सकते हैं. तो हम मेनली थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं दो अप्रोचेस के थ्रू. वन इज मैक्रोस्कोपिक अप्रोच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड द सेकेंड वन इज माइक्रोस्कोपिक अप्रोच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. जब मैं बात करता हूँ मैक्रोस्कोपिक शब्द की, तो मैक्रोस्कोपिक का मतलब होता है इन मास. इट मीन्स व्हेन वी स्टडी सिस्टम ऑन इट्स ओवरऑल बिहेवियर विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द इवेंट्स अकरिंग एट मॉलिक्यूलर लेवल. जब हम किसी सिस्टम के ओवरऑल बिहेवियर की स्टडी करते हैं और ये ध्यान में नहीं देते कि उसके मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या हो रहा है, तो हम इस अप्रोच को कहते हैं मैक्रोस्कोपिक अप्रोच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. और अगर मैं बात करूँ माइक्रोस्कोपिक अप्रोच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, तो इसका मतलब होता है व्हेन वी सिस्टम ऑन मॉलिक्यूलर लेवल एंड ऑल्सो टेक इन टू कंसिडरेशन द इवेंट्स अकरिंग एट मॉलिक्यूलर लेवल. जब किसी भी सिस्टम पे मॉलिक्यूलर लेवल पर उसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या चेंज हो रहे हैं, हम उसको ध्यान में रखते हुए किसी भी सिस्टम की स्टडी करते हैं, तो हम उसे कहते हैं माइक्रोस्कोपिक अप्रोच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. देर आर टू और थ्री डिफरेंसेस जो हमें मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक को बहुत अच्छी तरह से समझा सकते हैं. मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, दिस इज द पार्ट ऑफ क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स, वाइल द माइक्रोस्कोपिक अप्रोच इज द पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स. आइए बताता हूँ कि हम इसे क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स और इसे स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स क्यों कहते हैं. व्हेन वी यूज वेरी सिंपल मैथमेटिकल फार्मूला, और जब हम कोई भी सिस्टम को स्टडी करने के लिए हमारी सिंपल मैथ का, सिंपल मैथमेटिकल फार्मूलेज का इस्तेमाल करके सिस्टम की स्टडी कर लेते हैं, तब हम उसे कह देते हैं मैक्रोस्कोपिक अप्रोच. एंड व्हेन वी यूज डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेथड्स, तब हम उसे कहते हैं माइक्रोस्कोपिक अप्रोच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. मैं आपको एक बहुत छोटे से एग्जांपल से समझाना चाहूँगा कि अगर मैं कहूँ कि इस क्लासरूम में जितने भी बच्चे हैं उनका वेट बताओ, तो आप क्या करोगे? सिंपल सब बच्चों को एड ऑन कर नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दोगे और एवरेज वैल्यूज को फाइंड आउट करके इस क्लास का एक एवरेज वेट निकाल दोगे. तो इस तरह की स्टडी अगर हमें करनी है, तो हम इस अप्रोच को मैक्रोस्कोपिक अप्रोच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहेंगे. और मैं आपसे कहूँ कि मुझे एक इंडिविजुअल बच्चे की या किसी भी एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज के सारी वेरिएबल्स बताओ, तब आप क्या करोगे कि एक एक वेरिएबल्स पर या एक एक बच्चे का वेट कंसीडर करोगे, तो उस स्टडी को इस तरह से हम कह देते हैं माइक्रोस्कोपिक अप्रोच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. अगर हम अगले डिफरेंस की ओर बढ़े, तो जो भी हम वेरी सिंपल मैथमेटिकल फार्मूलाज, जो मैंने अभी आपको बताया कि सिंपल मैथमेटिकल फार्मूलाज को यूज़ करने के लिए हमें बहुत कम वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है, तो यही इसका अगला डिफरेंस है. वेरी फ्यू वेरिएबल्स आर यूज टू स्टडी सिस्टम ऑन मैक्रोस्कोपिक लेवल. हमें किसी भी सिस्टम को मैक्रोस्कोपिक लेवल पर स्टडी करने के लिए बहुत छोटे थोड़े से वेरिएबल्स की जरूरत होती है, वाइल अ लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर यूज्ड इन
माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में स्टडी करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स की जरूरत होती है। तो ये डिफरेंस था मैक्रोस्कोपिक अप्रोच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एंड माइक्रोस्कोपिक अप्रोच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं आज इस पहले वीडियो में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसके बाद इक्विलिब्रियम, जिसे हम लोग इंटरमीडिएट में एक बहुत सिंपल से नाम से पढ़कर आए होते हैं, साम्य अवस्था। लेकिन मेरे दोस्तों, यहाँ पर इक्विलिब्रियम का मतलब बदलता है। यहाँ हम केवल केमिकल इक्विलिब्रियम की बात नहीं करते, यहाँ हम केवल केमिस्ट्री में रिएक्शन को बैलेंस करने की बात नहीं करते। यहाँ पर इक्विलिब्रियम को जाना जाता है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम से। इसके साथ एक नाम जुड़ता है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अगर मैं बात करूँ, आपसे कहूँ कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है, तो मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा। व्हेन अ सिस्टम अटेन्स थ्री टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, इट इज कंसीडर्ड इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। जो आपके इक्विलिब्रियम है, थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। एक बार और सुने कि जब कोई भी सिस्टम इन तीन तरह के इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेता है, तब हम इसे कह देते हैं कि हमारा सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। अब एक क्वेश्चन उठता है कि आखिर ये इक्विलिब्रियम है क्या। तो अगर मैं सबसे पहले थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करूं, तो जब किसी भी सिस्टम में कोई टेम्परेचर इम्बेलेंस नहीं होता, ठीक है, तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम कह देते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। इट मींस व्हेन देयर इज नो टेम्परेचर इम्बेलेंस इनसाइड द सिस्टम इज सेट टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। उसके बाद बात आती है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की। मैकेनिकल का मतलब होता है फोर्स, थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर, और केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है केमिकल रिएक्शंस। जब हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो इसका मतलब है देयर इज नो अनबाइज्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। जब किसी भी सिस्टम पर कोई अनबाइज्ड अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं कर रहा होता, तो हम सिस्टम को मान लेते हैं कि वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। और जब किसी भी सिस्टम में कोई अनबैलेंस रिएक्शन प्लेस नहीं हो रही होती, व्हेन देयर इज नो अनबैलेंस रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड द सिस्टम इज सेड टू बी इन केमिकल इक्विलिब्रियम। और जब ये तीनों तरह के इक्विलिब्रियम कोई भी सिस्टम अटेन कर लेता है, देन द सिस्टम इज सेट टू बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, द करेक्टरिस्टिक्स विच आर रिक्वायर्ड टू डिफाइन और टू स्टडी एनी सिस्टम आर नोन एज प्रॉपर्टीज। हमें सिस्टम की स्टडी करने के लिए जिन जिन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, हम उसे सिंपल सा नाम दे देते हैं, प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पर जब मैं थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज दो तरह की होती हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आइए सबसे पहले जानते हैं कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स क्या है। मेरी एक छोटी सी चीज़ याद रखिएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे, द प्रॉपर्टीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास। आपने बहुत से जगह अलग अलग डेफिनेशंस पढ़ी होंगी, लेकिन मैं आपको बहुत आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। द प्रॉपर्टीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास और द प्रॉपर्टीज विच डू नॉट डिपेंड ऑन मास, दोज प्रॉपर्टीज आर नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की अगर बात करूँ, द प्रॉपर्टीज विच आर डिपेंडेंट ऑन मास, जो भी प्रॉपर्टीज मास पर डिपेंडेंट होती हैं, उसे हम कह देते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब ये बात ध्यान रखिएगा कि जिस भी फॉर्मूले में अगर m का प्रयोग हो रहा है, तो वो आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और जिस भी प्रॉपर्टी के फॉर्मूले में m का उपयोग नहीं होता, वो आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। ये भी एक बहुत सीधा सा और सिंपल सा तरीका है इन प्रॉपर्टीज़ की दोनों टाइप्स को समझने का। तो ये मेरा थर्मोडायनेमिक्स पर उसके इंट्रोडक्शन के ऊपर पहला लेक्चर था। आइए जब हम अगली बार मैं आपसे के साथ आऊँगा, तो मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स के लॉस और उससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। बाय बाय।